वेलकम टू लेक्चर 14, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सबसे पहली बात तो ये हमेशा याद रखेंगे, यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो होता है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन आपने सुना होगा, तो उसी का अनदर नेम होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तो उसको डेल्टी से हम डिनोट करते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के ऊपर। वो कुछ इस फॉर्म में होता है, दिखा देते हैं। एक्स ऑफ टी टी, असल में ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, अगर आप इसको रफली ड्रॉ करें तो आप इसको ऐसे डिनोट करेंगे, डेल ऑफ टी टी। बट अगर हम देखें इसको सही से डीप में पढ़ने का, तो दिस लिमिट इज एप्सिलॉन बाय टू, माइनस एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन बाय टू, एंड हाइट इज 1/ε। सो हम किसी भी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, यूनिट यूनिट इम्पल्स फंक्शन को डिनोट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल, एनीथिंग। यूजली हम ऐसे रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, बट इसका एरिया जो होना चाहिए वो हमेशा यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी मीन्स वन। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का जो डेल्टी से डिनोट करते हैं तो उसका जो एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए वन। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टी लिमिट एप्साइलन टेंस टू जीरो एक्स टी, मतलब आपका जो एक्स टी सिग्नल है, अगर आप लिमिट एप्साइलन को जीरो कर दो, ठीक है, माइनस दिस टेंस टू जीरो एंड दिस टेंस टू जीरो। अब इसका क्या मतलब है, यस अब दिख जाएगा। आप इस फंक्शन को इसकी हाइट बढ़ाते जाओ एंड विड्थ कम करते जाओ, तो आपका ये जो फंक्शन है रेक्टेंगल कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये आपका ऊपर, इसीलिए एरो इसको ऊपर से नोट करते हैं कि टेंस टू इन्फिनिटी। अगर एप्सिलॉन टेंस टू जीरो है तो इसकी हाइट आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, बट एरिया ऑलवेज वन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि यूनिट इम्पल्स एट टी इज इक्वल टू जीरो पर टेंस टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एट टी इज इक्वल टू जीरो पे टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। एंड इम्पल्स को हम राइजिंग एरो से शो करते हैं जैसे कि मैंने बताया। एंड ये जो विद है, माइनस एप्सिलॉन नॉट बाई टू इंटू एप्सिलॉन बाई टू, दिस इज एप्सिलॉन। तो आप इवेंचुअली एरिया निकालेंगे तो आपका एरिया क्या आएगा, 1/ε हाइट इंटू विद एप्सिलॉन, तो वो तो वन ही आएगा। तो राइजिंग एरो से डिनोट करते हैं क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ ऊपर राइज कर रहा है। ये जो आपने बॉक्स बनाया इसको आप छोटा करो विथ से और हाइट बढ़ाओ, तो इवेंचुअली पहले ऐसा होगा और पतला होगा, फिर और पतला होगा, होते होते आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। नाउ वी विल डिफाइन दिस फंक्शन। सो आवर डेल्टी इज इन्फिनाइट एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड टी नॉट इक्वल टू जीरो पे हमेशा वो जीरो है। एंड ऑल्सो अगर हम एरिया की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब ओवरऑल पूरे इस फिगर में, ग्राफ में आपका एरिया डेल्टी का आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो वन आएगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका वन है वो किसको डिनोट कर रहा है, इस यूनिट को डिनोट कर रहा है। इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, क्योंकि इसका एरिया जो होता है वो यूनिट ही होता है। ये आपका एरिया है, या इसको बोल सकते हैं यूनिट एरिया। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या इम्पल्स की, यूनिट इम्पल्स फंक्शन की, जो हम लिखेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो होता है
दिस इज डेल्टा, सो इज एन इवन सिग्नल, ये हमेशा इवन सिग्नल होगा बिकॉज अगर ऐसा फंक्शन है तो आप इसको रोटेट करो वाई एक्सिस के अबाउट तो ये आपका सेम ही फंक्शन रहेगा, इसलिए ये एक इवन सिग्नल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम लिखना चाहें तो डेल्टी जो होता है वो हमारा नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होता है, जस्ट फैक्ट याद रखने के लिए, नीदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेट और स्ट्रेंथ ऑफ इंपल्स। इज ए नॉट डेल टी, सो दिस ए नॉट इज वेट और स्ट्रेंथ ऑफ इंपल्स, एंड वेट और स्ट्रेंथ ऑफ इंपल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ इंपल्स, दिस कैन बी प्रूव। सो इफ वी हैव अ फंक्शन टू डेल टी, सो इसका एरिया कितना होगा, टू माइनस टू डेल टी, इसका एरिया कितना होगा टू, एंड इसको हमेशा इसके साथ लिखते हैं। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है टू डेल टी का तो आपका ये इंपल्स बनाएंगे उसके संग हम टू लिख देंगे उसका मैग्नीट्यूड। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर आप इंपल्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हो सो इट विल बिकम ए यूनिट स्टेप फंक्शन। सो इंपल्स फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हो तो यूटी आता है, और अगर आप यूटी को डिफ्रेंशिएट करते हो तो इंपल्स फंक्शन आता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब इंपल्स फंक्शन आपका सबसे बेसिक होता है, तो बेसिक से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, सम, एंड डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ब्रेक करना स्मॉल पीसेस में। तो आप बड़े छोटे को जोड़ोगे तो बड़ा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, और आप अगर बड़े को तोड़ोगे तो वो छोटा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको याद करने की नीड नहीं है कि किससे क्या होता है, दिमाग लगाना, ठीक है, फैक्ट्स याद रखने हैं। तो एक ये सिंपल प्रॉपर्टी है। तो वेट यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज आपका जो यूटी बनेगा दिस, तो उसका जो हाइट, जो ये हाइट होगी वो आपका क्या होगा, वेट होगा इंपल्स फंक्शन का। तो आपका जो वेट होता है वो आपका यूनिट इंपल्स यूनिट स्टेप फंक्शन की हाइट भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आपका वेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी वेट पे। आपको इस फॉर्म में एक 5 माइनस 3 माइनस 6 एंड 2 एक इंपल्स फंक्शन है, इसमें काफ़ी सारे इंपल्सेस हैं, माइनस 2 पे, 0 पे, 2 पे एंड 4 पे। आपको एरिया ऑफ, दिस इज वाई टी, दिस इज एरिया ऑफ वाई टी बताना है। सो वी जस्ट सिंपली एड ऑल द वेटेड वेट ऑफ द इम्पल्सेज, 5 माइनस 3 माइनस 6 एंड 2। वेट क्या है, दीज आर वेट्स, प्लस 2, सो 5 माइनस 9 प्लस 2, 7 माइनस 9, तो इसका ओवरऑल वेट क्या आया, माइनस